हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, सोल फर्स्ट सेमेस्टर की जो फाइनल डेट शीट है वो कल आ चुकी है, और जिसको लेकर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी जिसमें मैंने आपके मोटे मोटे तौर पर समझा दिया था कि आपका कौन सा एग्ज़ाम कब है। बट कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आप सभी के लिए फाइनल डेट शीट की एक्सप्लेन वीडियो लेकर आऊँगा। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बीए प्रोग्राम के लिए होने वाली है। फाइनल डेट शीट एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा सोल के लिए, यानी सोल फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आज की वीडियो होने वाली है। और मैं यही बोलूँगा कि अच्छे से समझ लेना कौन सा एग्ज़ाम कब है। फाइनल है यानी डेट ये कन्फर्म हो चुकी है, और जो पोस्टपोन वगैरह की खबर थी वो भूल जाइए, पढ़ाई पे आप लग जाइए फिलहाल के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मैं टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे सामने फाइनल डेट शीट है फर्स्ट सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम एनएपी 2022 फर्स्ट सेमेस्टर, एग्ज़ाम मार्च। ठीक है, तो फाइनल डेट शीट है सोल की है। तो ज़रा देख लेते कौन सा एग्ज़ाम कब है। तो देखिए, पहला जो आपका पेपर है, देखिए अब ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी में आपको कन्फ्यूज़न होती है। पहला पेपर आपका 4 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, 4 मार्च को आपका पेपर होगा। अब कौन कौन से, अब देखिए, अब कई स्टूडेंट कह रहे होंगे सर मेरा डिसिप्लिन में से मैंने इकोनॉमिक्स भी ले रखा है और मैंने हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास भी ले रखा है, क्या ये दोनों पेपर मेरे एक ही दिन होंगे? जी नहीं, तो ये दोनों पेपर आपके एक दिन नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। पहले तो आप देख लीजिए, जो आपका डिसिप्लिन ए का सब्जेक्ट है, जो आपका पहला एग्ज़ाम है वो आपको 4 मार्च को होने वाला है इन सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए आपने इसी में से आपने ले रखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया पहला सब्जेक्ट, और ले रखा है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। अब आप कहोगे कि सर मेरे क्या दोनों एग्ज़ाम 4 मार्च को होंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सेम सब्जेक्ट जो 4 मार्च को होने वाले वही सेम सब्जेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 11 मार्च को भी सेम सब्जेक्ट, बिल्कुल सेम सब्जेक्ट। देखिए वही हिंदी भाषा साहित्य हिस्ट्री और मैं बात करूँ, देखिए सेम सब्जेक्ट। अब कहोगे सर ये सेम कैसे 4 मार्च को भी है और 11 मार्च को भी? तो देखिए, अब होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहला जो पेपर, मान लीजिए आपने, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैंने ले रखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और मैंने ले रखा है पॉलिटिकल थ्योरी। अब हो सकता है इन दोनों में से पहला पेपर मेरा 4 मार्च को होगा, दूसरा पेपर मेरा 11 मार्च को होगा। ये डिटेल आपको एडमिट कार्ड पे मेंशन होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, यानी आपके जो पेपर है वो 4 मार्च से शुरू होने वाले हैं। अब दूसरा जो एग्ज़ाम है आपका AEC, जिसे कहते हैं इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इंटो प्रैक्टिस। देखिए, फोर सोल स्टूडेंट्स अपीयर इन द A+B+C पार्ट, यानी कि इसमें 3 पार्ट का एग्ज़ाम होगा ये एक ही पेज में। ठीक है, मतलब एक ही बार में 5 मार्च को पेपर होगा 2 शिफ्टों पे, और 2 शिफ्टों में ये वाले भी होंगे। अब मेरी टाइमिंग क्या रहेगी, क्या मैं किसी भी टाइमिंग में जा सकता हूँ? जी नहीं, ये टाइमिंग की भी जो इन्फॉर्मेशन है आपके आपको एडमिट कार्ड पर ही मेंशन होगी। ठीक है, तो दूसरा पेपर आपको कब है बीए प्रोग्राम का इन्वायरमेंटल साइंस का, 5 मार्च को। उसके बाद आपका 11 मार्च को डायरेक्ट है डिसिप्लिन का वो सब्जेक्ट जो आप दूसरा दोगे। देखिए, अगर मान लीजिए आपने हिस्ट्री ले रखा है तो हिस्ट्री आपका 4 तारीख को हो जाएगा मान लीजिए, और पॉलिटिकल आपका 11 मार्च को हो जाएगा। तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये चलता है ज़्यादातर मामलों में। बाकी जो आपका एडमिट कार्ड आता है H पहले आता है P से, तो H यानी हिस्ट्री का पहले होगा, तो ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी जो आपका एडमिट कार्ड होगा उस पर आपका मेंशन रहेगा 11 मार्च के बाद। फिर आपका जो पेपर है 12 मार्च को कौन सा है, स्किल एनहांसमेंट, जिसके अंदर आपने फाइनेंस फॉर एवरीवन ले रखा होगा, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, रंगमंच, ये कब है 12 मार्च को होगा, 2 शिफ्टों में होगा, यानी ये 2 घंटे के पेपर है मात्र। ठीक है, उसके बाद आपका ये देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही थी अभी आपको, आपने कहा होगा कि सर मेरे सब्जेक्ट ना सोल ने मुझसे बिना पूछे चेंज कर दिया। अभी क्या हो रहा था, अभी जब आपने एडिशन लिया था तो आपने इसमें से सब्जेक्ट चूज़ कर रखे थे, आपने एक सब्जेक्ट इनमें से 2 सब्जेक्ट चूज़ कर रखे थे जो कि इसका रिपीटेड नहीं है, मतलब कि रिपीट नहीं है ये 18 मार्च के बाद, इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो अब आप सभी के सब्जेक्ट इसमें से एक होगा, बाकी डिसिप्लिन ए में से एक,
जो 4 मार्च को, डिसिप्लिन 2 जो कि आपका 11 मार्च को, और तीसरा इसमें से एक सब्जेक्ट आपका जो कि आपके डैशबोर्ड पे मेंशन होगा। तो इसका जो पेपर कब होगा वो 18 मार्च को आपका कंडक्ट कराया जाएगा। वैल्यू एडिशन कोर्स, वैल्यू एडिशन में आपने ले रखा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ वैल्यूज, फंडामेंटल ड्यूटीज, योगा फिलोसफी, ये आपका 19 मार्च को होगा। 2 घंटे का पेपर ये भी होने वाला है, ठीक है। 2 शिफ्टों में, शिफ्टों की जानकारी आपको आपके एडमिट कार्ड पर मिलेगी। उसके बाद आपका जैनिक इलेक्टिव, इसमें आपका इंग्लिश, देखिए टेंटेटिव डेट शीट में सब्जेक्ट मिसिंग था, इसे ठीक कर लिया गया है। इंग्लिश भाषा साहित्य का खा गा, इनमें से किसी ने ले रखा होगा 25 मार्च को होगा, यानी आपका जो लास्ट एग्ज़ाम है वो 25 मार्च को है। 25 मार्च तक आप सभी के एग्ज़ाम चलने वाले हैं, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो आप देख सकते हो, आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने पूरी डेट शीट आपके साथ एक्सप्लेन कर दी है, आपको समझ में आ ही गया होगा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। अच्छे समझ लीजिए, फाइनल डेट शीट है और बाकी बीए प्रोग्राम की मैंने डेट शीट आपको समझा दी है। अगर अभी भी नहीं समझ में आए तो एडमिट कार्ड का वेट कीजिए, जैसे एडमिट कार्ड आ जाएगा हम आपको अपडेट कर देंगे कैसे डाउनलोड करना है। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ये डेट शीट हमने टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दी है, बाकी सोल की साइट पे भी ये जल्दी अपडेट हो जाएगी 1 से 2 दिन में। थैंक यू सो मच।